देर से बोलो ओम शांति। देखिए हम संगीत करते हैं जो संगीत से हमको सुख मिलता है, जितनी देर के लिए भी हम बैठते हैं या संगीत सुनते हैं उससे हमको क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो ये समझो सुख क्यों मिलता है, अगर लड़ाई करने लगे तो लड़ाई से सुख मिलेगा, लड़ाई से सुख मिलता है नहीं मिलेगा, लेकिन संगीत सुनने से सुख मिलता है। लेकिन संगीत यहाँ चल रहा है तो आप सब लोग खींच करके यहाँ पर पहुँच गए जो संगीत के प्रेमी है। वैसे तो आत्मा को वो संगीत जहाँ मिलता है तो अपने आप खींची आत्मा चली जाती है, क्योंकि जो आत्मा है वो संगीत और शांति से ही बनी हुई है, आत्मा को संगीत चाहिए इसीलिए आत्मा इस तरह खींची चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आत्मा विकारों के आत्मा के ऊपर विकार आ गए, विकारों की मिट्टी आत्मा के ऊपर आ गई और संगीत धीरे धीरे कम होता गया मनुष्य के जीवन में। जब ये कम होता गया इसी दुख अशांति आती गई। संगीत का मतलब क्या है, गीत गाते हैं ये भी संगीत है, लेकिन एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलना ये भी एक संगीत ही है। अब हमारे घर में 5 सदस्य हैं, उनके साथ नहीं बन रहे, उनके साथ नहीं बन रहे, हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि संस्कार आपस में मिलते नहीं है, संस्कार मिलन नहीं तो संगीत भी नहीं। आप सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं तो आपस में मिल रहा है हमारा, तब तो संगठन में बैठे हैं। अगर किसी के संस्कार नहीं मिल रहे एक दूसरे से तो उसके पास बैठना भी वो पसंद नहीं करेगा, करेगा पसंद नहीं करेगा। तो ये समझिए कि हम कैसे थे पहले, हम संस्कार मिला के चलते थे। ये धरती ये भारत कैसा था पहले, ये भारत का स्वर्ग, ये भारत के लिए कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। भारत देश कैसा था, एक सोने की चिड़िया था। आज क्या कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूर्य न बदला चांद न बदला, बदला तो सिर्फ इंसान बदला। तो इंसान बदल गए तो इंसान से ही वही स्वर्ग बनाता है और वही नरक बनाता है। अगर इंसान अगर व्यक्ति चाह ले तो वो स्वर्ग बना सकता है इस भारत को, और वही चाह ले तो नरक हो जाता है। अब एक जो घर का सदस्य मेन होता है वो पुरुष ही होता है, और पुरुष ही देर रात से आए घर में, शराब पी के आ रहे हैं, बच्चे हैं घर में 4, उनको भी देखना है, पत्नी है उनको भी खाना देना है, लेकिन कुछ भी होश नहीं है। जो भी कमाया पी के चले आए घर में, और बच्चों को मार रहे, पत्नी को मार रहे हैं, न देख रहे हैं घर में क्या खाने को क्या पीने को है, तो घर क्या बन गया, क्या बन गया वो घर, नरक क्या बन गया, नरक बन गया। तो आज हम ही ने तो बिगाड़ा है ना भारत को, किसने बिगाड़ा है, इन सब के हकदार हम है, हमने बिगाड़ा है। इन विष्णु की मशीन भूत हो करके हमने इस भारत को बिगाड़ दिया है। ये भारत पहले देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ राधे कृष्ण वास करते थे, यहाँ राम सीता वास करते थे, भारत में ही तो सब आए थे, कभी विदेशों में नहीं दिखाया, कहाँ आए थे, भारत में ही आए थे। लेकिन हम इन विकारों की मशीन
स्वामी ने तो बनाया है। अगर हम इस लेसनों को त्याग करके अपनी जिम्मेदारी को उठा करके चलेंगे तो यही घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं मिलेगा आपको स्वर्ग। आप खुद अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। जिसको जिसको अपने घर को स्वर्ग बनाना है वो हाथ उठाइए। किसको किसको बनाना है स्वर्ग? किसी को नहीं बनाना। अरे नहीं बना होगा कैसे? अरे हाथ उठाइए तो किसको बनाना है? संकोच कर रहे हैं, बहुत संकोच कर रहे हैं। उनको नहीं लगता कि बनेगा कि नहीं। अरे स्वर्ग अच्छा है। देखिए जब हाथ उठाओगे तो अंदर से दृढ़ता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हाथ उठाने से हमारे। आप मन में तो सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते। करेंगे हम जब किसी की गाइडलाइन हमको मिलेगी। जैसे हम किसी व्यसन के वशीभूत हैं, हम सोचते छोड़ दे अब बीड़ी है, जैसे हम पी रहे हैं, इससे क्या फायदा है बीड़ी पीने से? कुछ फायदा है? जिसको जिसको बीड़ी पीने से फायदा मिला वो हाथ उठाओ। फायदा मिला किसी को? फायदा है नहीं, नुकसान ही है। आप ये सोचिए कि शरीर हमारा क्या है? मंदिर। भगवान ने इस मंदिर को कितना अच्छा बना के भेजा है, कितना अच्छा हमको, कितना बहुमूल्य ये मंदिर हमारे हवाले किया है भगवान ने। आप सोचिए किडनी है, भगवान ने उनको फ्री दी है। अभी किडनी फेल हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओ तो लाख रुपए दे दोगे तो भी वो उस ढंग से काम नहीं करेगी जिस ढंग से भगवान ने हमको दिया है। कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्टिव रहेगा ही, तब भी हम भगवान की दी हुई चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। करते हैं वैल्यू? नहीं करते हैं।